तो गाइस, एक और नए एपिसोड के साथ हम लोग आए हैं एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड जर्मनी। और दीपक, आज क्या घूमने आए हम लोग? आज हमारे घर के पास में एक विलेज है। जो टॉपिक है या आज जो जगह हम आए हैं, हमारे नेबरहुड लाइक बहुत ही पास में एक विलेज है जो कि बहुत खूबसूरत विलेज है। ये गांव ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब फेरी टेल मतलब मूवीज होती थी ना, जो कार्टून मूवीज होती थी, उसमें जो गांव बसे हुए होते थे उस टाइप का लगता था मुझे। तो मैंने सोचा आपको बताया जाए। इसमें बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, तो वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा और आपको क्या डिफरेंस लगते हैं इंडिया और यहाँ के गांव में, वो भी नीचे कमेंट करना। मैं जानना चाहती हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू। और अब हम लोग सबसे पहले दीपक जो बोल रहा था वो पीछे ये है फुटबॉल ग्राउंड है ना, और यहाँ पे खेलो आप क्रिकेट, इमेजिन करो। और व्यू देखो चारों तरफ का, उधर का व्यू दिखाना सब। हाँ। भी वो अब आप देखो इस तरफ पूरा ग्रीनरी खेत, ठीक है, उस तरफ हमारा शहर है जो बसा हुआ है, शहर दिखता है। और इस तरफ देखो पूरा पहाड़ है और सब लोग ट्रैकिंग करने निकले, ग्रीन ही ग्रीन है। एंड देन दिस साइड, इस साइड भी पहाड़ है, ये पीछे बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है। और चलो अब हम आप लोगों को थोड़ा ड्रोन शॉट्स लेके भी दिखाते हैं और यहाँ की जो लाइफस्टाइल है लोगों की वो भी दिखाते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं। दीपक, सबसे अच्छी चीज़ तुम्हें बताओ क्या लगी? सबसे बेस्ट चीज़ मैंने देखा भी, यहाँ पीछे 3-4 गाड़ियाँ खड़ी है ना, वो बहुत ओल्ड एज लोग थे, मेरे ख्याल में सब 70+ होंगे, आए आराम से, सब ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की, अपनी अपनी स्टिक निकाली और निकल गए इधर वॉक करने धूप में, सब लोग पूरी गैंग बनाकर। और हम लोग जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ पर है, राइट दीपक? तो ये बोल रहे ना, वो शहर वहाँ पर है। और मेरे जस्ट पीछे है टेनिस क्लब, इसके 1-2-3-4 कोर्ट बने हुए हैं यहाँ पर। बहुत छोटा विलेज है, बहुत छोटा विलेज है, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे इसमें, 2000 लोग रहते हैं। बताओ 2000 लोग, टेनिस क्लब, फुटबॉल ग्राउंड, ट्रैक एरिया, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, शॉपिंग सेंटर, सब कुछ। ये है ट्रैक एरिया पूरा जिसमें अभी हम लोग आगे जाएंगे। और ये हमारे बिल्कुल पीछे है सरसों के खेत, उसके पीछे पहाड़, और ये जो दिख रहा है ये है समर हाउस। समर हाउस में लोग वही आते हैं समर्स में और आराम से इंजॉय करते हैं, तो बहुत सारे समर हाउस बनाए हुए हैं पीछे जो कि बहुत ही सुंदर हैं, छोटे छोटे हट्स टाइप के हैं पर क्यूट। एंड देन उसके आसपास ये सारी चीज़ें हैं।
जगह के या इस जगह के लोगों के बारे में और जानने के लिए हमने अभी एक ओल्ड कपल था, उनसे बात करी। ऑफकोर्स यहाँ पर हम लोग वीडियो नहीं ले सकते और वैसे भी उन लोगों ने जर्मन में बात करी, इसलिए मैं आपको बता दे रही थी। वो लोग यहीं पर रहते हैं, पीछे जो है वहाँ पर मतलब घर है, वहाँ पर कहीं पर रहते हैं और उन्हें ये जगह बहुत अच्छी लगती है। और वो बोल रहे थे कि यहाँ आसपास मेडिकल स्टोर है, सुपरमार्केट है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, आराम से वो अपनी चीज़ें जो है वो ख़रीदने जा सकते हैं। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो हमें लगा, क्योंकि वो अराउंड 80 ईयर्स के होंगे और स्टिल वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ही कम्फर्टेबली यहाँ पर रह रहे हैं बिना बच्चों के यहाँ पर। वो पैदा भी यहीं हुए थे, पैदा भी यहीं पर हुए हैं, तो दैट्स ग्रेट यार। मतलब ऐसे लोगों से बात करने में बड़ा मज़ा आता है ना। ये है यहाँ का सुपरमार्केट, ये एडेका जो है यहाँ की जो सुपरमार्केट चेन है वो है यहाँ पर। तो और दीपक देखो इस गांव में गलियों में घूमता हुआ, कैसी लग रही है ये गांव की गली। तो इसी जगह इसी विलेज में रहने चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है। हम दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ एक्चुअली प्रॉपर ट्रैकिंग एरिया है और वहाँ से और भी खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं, तो अब हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये जो जगह है यहाँ पर जो भी गांव वाले हैं वो मिल्क और एग्स और बाकी और भी फ्रेश जो भी चीज़ें वो रख जाते हैं, आप पैसे डालो और यहाँ से लेके जा सकते हो। और 10 एग का 3 यूरो प्राइस है, वो बॉक्स में पैसे डाल दो। हाँ, बॉक्स में। तो यहाँ बिलीव फैक्टर जो है वो बहुत तगड़ा होता है लोगों का, तो आप अगर कुछ ले रहे हो लोग पैसे डाल के जाते ही, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लेके चले जाते। जो हमारे पीछे वहाँ बेंच पे ओल्ड कपल बैठे हुए हैं मस्त, वो सुबह सुबह साइकिल लेकर आए हैं यहाँ वॉक करने और ब्रेड ब्रेकफास्ट लाए हैं और उसके साथ साथ वो वाइन लेकर आए हैं उनके, जो भी कॉफ़ी वगैरह, दोनों लोग बैठ के धूप में आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अपना। तो ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है यहाँ जो हमने सोचा आप लोगों को बता दें। यहाँ पर रेडीमेड बने बनाए गार्डन या फिर कस्टमाइज गार्डन मिल जाते हैं। और ये है बहुत पुराना रेलवे स्टेशन Hohenstaufenbahn, जो बंद हो गया और अभी ट्रैकिंग एरिया बन चुका है। ऐसी ये वाली ट्रेन चलती थी यहाँ पर, देखो रेड ये ब्लैक कलर से। ये हमारा शहर है और हम यहाँ तक जाती थी वो ट्रेन। हाँ, ये हमारा शहर है और हम यहाँ पर हैं और ये जो ट्रेन थी वो यहाँ से यहाँ तक और बीच में जो भी चीज़ें थी वहाँ तक आती थी। तो तुम्हारे पीछे क्या है? ये शर्ट की टी शर्ट की फैक्ट्री है शायद, ये देखो गुरमुल शर्ट करके लिखूंगा, बहुत बड़ी है। तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी है इसी की वजह से। There's no time for regret, but I remember how I slept in your chest. I want to forget it, take a breath and leave you away, away. But it's not that easy, cause you make me miss you again.
सो गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। दीपक आओ एक मिनट अपने कप के साथ। और हमने कोशिश करी कि आप लोगों को ये वीडियो में बताएं कि गांव में लाइफ कैसे होती है, प्लस हमारा भी बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हो गया आपके बहाने। सीरियसली बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा वेदर है, तो मज़ा आ गया। हाँ, और आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो में नीचे कमेंट करना क्या सबसे अच्छा लगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लाइक करोगे तो वीडियो और दूसरे लोगों को भी रिकमेंडेशंस में आएंगे। सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल और शेयर इट, और चाय पीना मत भूलना, सर्दी आ रही है। बाय, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में, जिसमें हम एक्चुअल जो जर्मनी है उसे एक्सप्लोर करेंगे, जो शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं एक्सप्लोर करी होगी और हम लोगों ने हमारी चाय फैलने वाली थी।